पिछले दिनों 108 फुट संकट मोचन धाम सिद्ध हनुमान मंदिर करोलबाग ने अपना 19वां स्थापना दिवस मनाया। ओरछा की रामलीला आयोजन समिति के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर वीपी टंडन को संकट मोचन सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया। यह सम्मान मंदिर संस्था के अध्यक्ष श्री महंत ओमगिरी जी महाराज, महामंत्री कन्हैया गिरी जी, अंतर्राष्ट्रीय जूना अखाड़े के प्रवक्ता परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री नारायण गिरी जी, महामंडलेश्वर राघवंदन जी, महामंडलेश्वर श्री नवल किशोर दास जी, महामंडलेश्वर श्री कंचन गिरी जी व नरेंद्रपुरी जी महाराज के कर कमलों द्वारा दिया गया। देखिए, हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं कि इतना बड़ा धाम 108 फीट हनुमान जी की दिल्ली में इतनी भव्य मूर्ति संकट मोचन धाम में, और उस प्रोग्राम में मुझे आज मौका मिला अपनी धर्मपति वंदना टंडन जी के साथ, और मैं बड़ा ऑनर फील कर रहा हूँ कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम था। भगवान राम के जिसमें जहाँ भजन भी हुए, वहाँ बहुत बड़े बड़े संतों ने आके आशीर्वाद दिया और मुझे उसमें सम्मान मिला। ओरछा की राजा राम की लीला के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विशेष सम्मान इसलिए मिला कि ओरछा की रामलीला जो जन जन में, ना कि सिर्फ भारतवर्ष में बल्कि दुनिया के सैकड़ों देशों में भी राम भक्तों ने देखी। तो मैं कृतज्ञ हूँ मैनेजमेंट कमेटी का, उन जो मंदिर कमेटी के अध्यक्ष हैं श्री ओम गिरी जी का, और उनकी सारी मैनेजमेंट कमेटी का कि आपने ओरछा रामलीला से करवा कर और अयोध्या में रामलीला करा के राम भक्तों के बीच एक प्रिय राम भक्त के रूप में आप फेमस हुए हैं, और क्या ये राम जी की जो जितने भी आप प्रोग्राम्स हैं आगे भी वो निरंतर होते रहेंगे? देखिए, ये तो भगवान प्रभु राम की ही कृपा है और हनुमान जी की कृपा है कि उन्होंने एक छोटी सी सेवा का मौका दिया, जिससे कि हम जो हमारे राम भक्त हैं, इस कोविड काल में भी उन्होंने जहाँ 2020 में अयोध्या की भव्य रामलीला को देखा, और इस बार जो ओरछा में बहुत ही भव्य रामलीला हुई जो जन जन तक पहुँचाने की हमने कोशिश की, और इस रामलीला का मंचन को लोग बहुत सराह रहे हैं, और मैं तो प्रभु राम की कृपा कहूँगा, और मैं कुछ नहीं अकेला कर सकता, हमारी टीम थी और ऊपर से ईश्वर का हमें आशीर्वाद था श्री प्रभु राम का। बच्चों के लिए क्या मैसेज रहेगा कि वो धर्म को किस तरीके से अपनाएं? आज का जो कलयुगी जीवन है और बच्चे पाश्चात्य संस्कृति में ज़्यादा रुचि लेते हैं, लेकिन ऐसे बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? देखिए, मैं तो बच्चों को कहूँगा कि अगर वो जीवन में सुखी रहना चाहते हैं, सफल बनना चाहते हैं और पीस ऑफ माइंड रखना चाहते हैं, तो जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमारे मूल्य हैं, हमारे जो आदर्श हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जो जीवन के वो क्षण हैं जिसमें उन्होंने कितने ही रूपों में ये मैसेज दिया है कि मदर फादर के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, भाइयों के साथ क्या होना चाहिए, पत्नी के साथ क्या होना चाहिए, ये और अपनी मर्यादाओं में रहते हुए उन्होंने एक ऐसा उदाहरण दिया है सारे देशवासियों को और विश्ववासियों को, हिंदू धर्म को। उसको अगर हम उनके आचरण को, उनके विचार को, उनकी मर्यादाओं को ही हमारे जो युवा पीढ़ी है या हमारे बच्चे अगर अडॉप्ट कर ले, तो उनका जीवन अपने आप ही ऐसा हो जाएगा कि वो जीवन में कभी दुखी नहीं रहेंगे।